Hello, my dear student of standard 10th, and today we are going to do the second part of the forest wildlife resources. Okay, we already covered the first part, and let us go through the second part. Okay, then. So here we are, wildlife diversity. Now, there is a large diversity in climate and physiography of India. India के climate में हमको बहुत सारा differences देखने को मिलता है. If you see Himalaya mountains, you will find very cold places and where it is snow falling and temperature usually below 0 degree Celsius. On the same side, हम लोग अगर Thar desert में आते हैं, so it's a very hotter side. And we have the sea coastal line also. We having the area like Cherrapunji where most of the rainfall are falling. राजस्थान ऑन द पर्टिकुलर साइड यहाँ बरसात ना के बराबर होती है बट बहुत 5 to 10 सेंटीमीटर होती है. एंड देर आर लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी यू कैन सी. ड्यू टू दिस जोग्राफिकल डाइवर्सिटी लार्ज वेरिएशन इज सीन इन द इंसेक्ट बर्ड एनिमल्स एंड वेजिटेशन. अब माहौल के हिसाब से यहाँ के एनिमल्स अलग होंगे, यहाँ के बर्ड्स अलग होंगे, यहाँ का वेजिटेशन भी अलग होगा. देर आर अबाउट 15 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स बर्ड्स इन द वर्ल्ड. ओके, अगर हम लोग पूरी दुनिया की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली अभी तक 15 लाख स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है. फ्रेंड्स, बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिनको अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया है. तो दैट इज द अदर पार्ट. वेल, यू हैव टू रिमेंबर ओनली 15 लाख. आउट ऑफ दिस 81,251, सो आपको ये नंबर याद रखना है, 81,251 स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया एंड स्टैंड 12th इन द टर्म्स वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो इंडिया का 12th नंबर आता है. वाओ, इसका मतलब 11 कंट्री इंडिया से आगे. एनिमल फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका आर सीन इन इंडिया. सो यूजुअली ये सब जगहों पर एनिमल्स देखने को मिलते हैं. अफ्रीकन जरक, यूरोपियन वुल्फ, वाइल्ड गोट एंड कश्मीर डियर, एलिफेंट्स, गिबॉन जो एक टाइप का मंकी होता है, फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया आर फाउंड हियर. सो यहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप के एनिमल्स की बात कर रहे हैं. आप लोग इनके नाम एंटर करके गूगल में देख सकते हो कि ये कैसे दिखते हैं. ओके, द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इंक्लूड ब्लैक डियर, बियर, वन हॉर्न राइनो, डियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स, पीकॉक, गुरड जिसको हम लोग बस्टर्ड कहेंगे, हॉक, किंगफिशर, फ्लेमिंगो एक्सेट्रा. द स्नो लेपर्ड इन हिमालयस आर द रेड पांडा फाउंड एट द सेम एल्टीट्यूड आर डिस्टिंग्विश्ड एनिमल्स हियर. सो ये भी कुछ स्पेशल टाइप के एनिमल्स हैं जो अलग अलग लोकेशंस में पाए जाते हैं. करंटली इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर टाइगर एंड लायन सीन मूविंग इन देयर नेचुरल अबोर्ड्स. नेचुरल अबोर्ड्स मीन्स देयर नेचुरल हैबिटेट्स. सो नो वेयर इन द कंट्री आपको लायन और टाइगर सेम मिलेंगे. सी, आपको या तो लायन मिलेंगे तो फिर टाइगर नहीं मिलेंगे, या टाइगर मिलेंगे तो लायन नहीं मिलेंगे. बट इंडिया इज द ओनली लकीस्ट कंट्री जहाँ पे आपको लायन एज वेल एज टाइगर देखने को मिलेंगे. लायन ऑफकोर्स हमारे गिर फॉरेस्ट में ही है. ड्यूरिंग विंटर माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेसेज थ्रॉंग इनटू द वाटर शेड एरिया ऑफ केलोल देव नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान एंड नल सरोवर इन गुजरात टू स्पेंड विंटर. सो फ्रेंड्स, ये आपने अभी जो नाम पढ़े केलोल देव, भरतपुर नेशनल पार्क और नल सरोवर, ये आप एग्जाम में आपने में आ सकते हैं. सो आपको इसे केयरफुल रहना है. अफकोर्स हम लोग आगे एक मैप भी देखने वाले हैं जिसमें ये सब होंगे. सो फ्रेंड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? सी, अभी जैसे कि दिसंबर महीना आता है तो यूजुअली इंडिया में ठंड का मौसम आ जाता है. बट हैव यू इमेजिन कि हिमालय से उस पार ऊपर नॉर्थ पे जहाँ पे साइबेरियन एरिया आता है, चाइना आता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है. सो इतनी ठंड होती है कि यूजुअली वहाँ पे ये बर्ड्स वहाँ पे सर्वाइव कर ही नहीं सकते. तो ये क्या करती हैं, ये माइग्रेट करके हिमालय पूरा क्रॉस करके इंडिया के इंडिया में नल सरोवर या फिर राजस्थान के भरतपुर केलोल देव नेशनल पार्क में आती है, जहाँ पे इनकी बॉडी को जितनी हीट की ज़रूरत होती है वो इनको मिल जाती है. एंड जैसे यहाँ पे गर्मी बढ़ती है ये वापस रिटर्न अपने कंट्री में चली जाती है. इसके अलावा सी टर्टल्स कम टू ले एग्स अलोंग द सैंडी कोस्ट ऑफ उड़ीसा. ओके, सो कुछ समुद्र के
टर्टल्स होते हैं जो अपने अंडे देने के लिए समुद्र किनारे यूजुअली आते रहते हैं। इंडियन पाइथन्स एंड वेरियस स्नेक्स एंड द किंग कोबरा आर फाउंड इन द सदर्न रेन फॉरेस्ट। ओके, सो यूजुअली ये सब एनिमल्स ही हमको देखने को मिलते हैं। नाउ वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन। वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं ऐसे जो लगभग ख़त्म होने वाले हैं, जैसे कि पहले अर्थ पे डायनासोर्स हुआ करते थे। अब ये डायनासोर्स क्या हुआ कि धीरे धीरे मतलब एक देर आर टू थियोरीज, या तो कोई मीटराइट फॉल हुआ था ओके तो सब ख़त्म हो गए। दूसरी थियोरी ये बोलती है कि मीटराइट फॉल होने के बाद भी बहुत सारे डायनासोर जिंदा थे, बट ड्यू टू द मीटराइट फॉल बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी फटे थे, बहुत ज़्यादा डस्ट एटमॉस्फेयर में चला गया था, तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल ठंडा हो गया था। सो ये सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे जो मतलब धीरे 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 मर गए। कुछ बोलते हैं एक साथ मर गए, कुछ बोलते हैं धीरे धीरे मर गए। सो ऑन टूडेज डेट पर्टिकुलर डेट देर वेर नो नॉट एट ऑल सिंगल डायनासोर चला है, सो हम लोग उसको एक्सटिंक्ट बोलेंगे। तो कुछ एनिमल हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो इनका फोटो भी डायनासोर के बाजू में लगा सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं चाहेंगे ओके, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे एनिमल्स रहें और हमारे साथ ही रहें। टुडे मेनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो आज की डेट में ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और ख़त्म भी हो सकते हैं अगर इन पे अगर हम लोग सही ध्यान ना दें तो। अब टाइगर्स वेयर फाउंड थ्रू आउट द इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। सो पिछले 100 साल की बात करें तो इंडिया के हर कॉर्नर में टाइगर पाया जा रहा था। टाइगर्स आर सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ ईडर, अंबाजी एंड दंता। वेल लेट मी इन्फॉर्म यू, ईडर, अंबाजी एंड दंता ये जो जगह है ये गुजरात में ओके, और सेंट्रल पार्ट अहमदाबाद के, अहमदाबाद से MP की तरफ जो बॉर्डर जाता है उस एरिया के आसपास की ये सब जगह हैं। टुडे टाइगर इज टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द गुजरात फॉरेस्ट एरियाज। सो अगर हम आज की बात करें ना, आज की डेट में गुजरात में से टाइगर ख़त्म हो गए इंडिया नेचुरल हैबिटेट। आप जू में जाके देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फेमस कांकरिया जू है वहाँ पे आपको टाइगर देखने को मिलेगा, लेकिन जो नेचुरल एनवायरनमेंट कंडीशन है ना वहाँ पे आपको अब टाइगर नहीं देखने को मिलेगा। सो टाइगर इज कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द गुजरात फॉरेस्ट। चीता इज ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम द इंडियन फॉरेस्ट। तो पहले कभी चीता हुआ करता था इंडिया में, लेकिन अब इंडिया से भी चीता ख़त्म हो चुका है। रीजन सिंपल है, हंटिंग की वजह से। मैनी इंडियन स्पीसीज विच आर वेरी इजिली सीन इन इंडियन फॉरेस्ट नाउ हार्डली सीन। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो पहले इंडिया के जंगलों में नेचुरल कंडीशन में देखे जाते थे, लेकिन अब उनको देखना इम्पॉसिबल हो गया है और शायद ख़त्म भी हो गए वो एनिमल्स। सम ऑफ देम लाइक वल्चर, डक विथ पिंक थ्रॉट, क्रेन्स एंड आउल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अभी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आ चुके हैं, जिनके ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। चिलोत्रो बर्ड वंस वाइड स्प्रेड इन अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट इज नॉट सीन इजिली। सो चिलोत्रो बर्ड भी धीरे धीरे अब ख़त्म होते जा रहे हैं। देयर इज अ डेंजर ऑफ द सर्वाइवल टू द एलिगेटर ऑफ द फ्रेश वाटर रिवर्स ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन। सो यहाँ पे एलिगेटर्स की बात कही है। एलिगेटर्स बेसिकली एक क्रोकोडाइल की प्रजाति होती है। नॉर्मली क्रोकोडाइल का मुंह आगे से बिल्कुल पतला होता है और आगे से बड़ी सी नाक होती है। सो ये और गंगा रिवर में से डॉल्फिन भी गायब होती जा रही हैं। वेल वो रीज़न तो समझ में आता है क्योंकि गंगा इतनी पॉल्यूटेड रिवर है, सो ड्यू टू पॉल्यूशन कोई भी उसमें रहना पसंद नहीं करेगा। द नंबर ऑफ द सी टर्टल अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड गुजरात इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। तो ये जो टर्टल जो पहले समुद्र किनारे अंडे देने आया करते थे, अब इनके नंबर्स भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। रीजन आपको पता है क्यों। वाटरफॉल जल बिलाड़ी ये एक स्पेशल टाइप की एनिमल आती है। वंस फाउंड इन द नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती रिवर्स आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। ऑलमोस्ट यानी लगभग ख़त्म ही हो गई हैं, हो सकती हैं, पर अब देखने को मिलती ही नहीं है। टाइम हैज़ कम फॉर अस टू थिंक अबाउट दिस सीरियसली। अब ये टाइम आ गया है कि अब हमको इसके बारे में थोड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा। तो ये एनिमल्स ख़त्म होते जा रहे हैं। आई एम एग्री, यू आर ऑल्सो एग्री, पर ये क्यों ख़त्म हो रहे हैं, लोग उनको क्यों मार रहे हैं, और ये क्या वजह है कि हमारे एनिमल्स धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। सो हमको उनके रीजन्स फाइंड आउट करने होंगे।
एंड हियर आर सम ऑफ द रीजंस. सो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले पॉइंट पे आ जाते हैं. ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस इन ग्रास लैंड एंड इन वाटर शेड एरिया ऑफ द फॉरेस्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल कुड इन डेंजर. पहली चीज़ तो बहुत क्लियर है, मैं तो एक ही रीजन मानता हूँ, पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, उनको घरों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लोग जंगल काट के जंगल की तरफ ही बढ़ेंगे. तो हम लोग उनके एरिया में हम लोग जा रहे हैं, ना कि वो हमारे एरिया में आ रहे हैं, और इससे उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ता है और उनकी लाइफ डेंजरस पोजिशन में आ जाती है. सेकेंड पॉइंट पर बढ़ते हैं. आई थिंक मुझे थोड़ा मार्कर का यूज़ कर लेना चाहिए. सो अभी हम लोग यहाँ पर हैं. ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट इम्बेलेंस. इट्स फाइनल इम्पैक्ट इज रिडक्शन ऑन नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे नीचे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, हंटिंग टू सेटिस्फाई हॉबीज. अब ये कैसी हॉबीज है कि आप एनिमल्स की हंटिंग कर रहे हो? ठीक है, बाहुबली मूवी का मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर बाहुबली हुआ ना, जहाँ पर वो लोग लड़ाई लड़ने से पहले जो भल्लाल देव है वो एक मेल बफेलो का सिर काट देता है. ओके, बट बाहुबली डिनाइस कि मैं किसी जानवर की बलि नहीं दूंगा. अगर देवी को खोलता हुआ खून चाहिए तो वो अपना खून अपनी तलवार से हाथ से यूँ ब्लड शेयर करता है कि मेरा खोलता खून ही अगर सेटिस्फाई कर सकता है तो ठीक है. ओके, यू कैन सी एनिमल्स की बहुत ज़्यादा हंटिंग की जाती है एंड जो मेन रिस्पॉन्सिबल है फॉरेस्ट का वो होता है उसके वाइल्ड एनिमल्स का फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन, जिससे क्या होता है वाइल्ड एनिमल्स भी अफेक्ट करते हैं. अच्छा, उनकी अब तुम लोग सोचो कि हॉबीज़ तो ठीक है, पर ऐसी हॉबीज़ नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा एनिमल्स की हंटिंग और भी बहुत सारे रीजन से की जाती है, जैसे कि हंटिंग ऑफ एनिमल्स ऑब्टेन हेयर स्किन बोन्स हॉर्न्स नेल्स एक्सेट्रा रिस्पॉन्सिबल. तो यूजुअली एनिमल्स के बालों के लिए उनकी हंटिंग की जाती है ना, उनकी स्किन. क्रोकोडाइल के जो हंटिंग की जाती है वो या तो बेल्ट या फिर चमड़ी के जूतों के लिए की जाती है, या फिर उनकी हड्डियों के लिए, है ना. हॉर्न्स उनके सिंग, मैंने कुछ पुरानी मूवीज़ में देखा है जहाँ पे जो ठाकुर टाइप के कैरेक्टर्स होते थे उनके घर में कोई 12 सिंगे का मुंह लगा हुआ है. फिर बोलते ये क्या है, भाई ये हमारे ग्रेट दादाजी का ने जंगल में जाके शिकार किया है. सो सॉरी, ये सब शो ऑफ करना बंद कर दो एंड सेंसर बोर्ड्स आप इन सब चीज़ों को बढ़ावा मत दो, मैं तो यही कहूँगा. एंड कुछ लोग फिर नेल्स, कुछ लोग मैंने देखा है गले में शेर का नेल्स लगा के घूमते हैं, वे ये सब नहीं होना चाहिए. आफ्टर वो भी इंसान, हमको भी इंसान बनना चाहिए और उन एनिमल्स की शिकार कम कर देना चाहिए. द ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ द फॉरेस्ट मेड बाई मैन फॉर हिज ग्रीडी मोटिव्स सच एज रोड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट माइनिंग मिनरल्स एक्सपांशन ऑफ द न्यू सेटलमेंट और सिटीज डिस्प्लेस द वाइल्ड एनिमल्स. ओके, अब इंसान क्या कर रहा है, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपनी जो शॉर्टकट है पैसे कमाने के लिए, पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए यूजली वो सड़क बनाता है. अगर एक सड़क एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में से अगर एक रोड पास होगी तो नॉर्मल सी बात है उस पर एनिमल्स भी आएंगे. और ऐसी खाली सड़क देख के हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो तो कोई आराम से गाड़ियाँ चलाने वाला नहीं है, क्योंकि उनको तो कोई चिंता ही नहीं है कि हमारे एनिमल्स आ जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा. एंड कई बार फिर अनफॉर्चुनेटली चीज़ें हो जाती हैं. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जब भी हम लोग डैम बनाते हैं तो हम लोग डैम तो हमने बना दिया नो डाउट डेवलपमेंट करने के लिए, पर डैम के पीछे बहुत सारा पानी स्टोर होता है तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली वो जंगलों की जगह ही कैप्चर करेगा. हाँ, एक्वाटिक एनिमल्स तो नो डाउट वहाँ पे रहेंगे, बट वाइल्ड लाइफ बाकी एनिमल्स का क्या. ओके, माइनिंग मिनरल्स, जमीन में से मिनरल्स माइन करने के लिए हम लोग ओपन माइनिंग भी करते हैं. एक्सपांशन ऑफ द न्यू सेटलमेंट ऑफ द सिटीज, सिटीज की वॉल्यूम बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बार बार शहरों की तरफ आ रही है. तो ये सब चीज़ें होते हैं, ये सब फैक्टर्स होते हैं जो यूजुअली डिस्टर्ब करते हैं हमको. आगे बढ़ते हैं. सी देयर आर 3 पॉइंट्स, मैं रेड पांडा के बाजू में आ जाता हूँ. फॉरेस्ट लैंड आर बीइंग एनक्लोज्ड बाय ग्रास फ्यूल्स एंड ग्रेजिंग. एनक्लोज करना क्या होता है,
सी अगर हम लोग एक सड़क पे से आ रहे हैं तो सड़क पे एनक्रोचमेंट कैसा होता है, वे लोग अपना स्टॉल लगाते हैं, अपनी चीज़ें बेचते हैं, एक तरह से इलीगल कब्जा हो जाता है। तो यही हम लोग फॉरेस्ट के साथ भी कर रहे हैं। फॉरेस्ट में हम लोग जाते हैं, अपने एनिमल्सों को ले जाते हैं, घास चरवाते हैं, फिर जंगलों में जाके लकड़ियाँ काटते हैं, फिर धीरे 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 क्या है, हमारा जंगल जो है सिमटता जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होते जाता है। द फॉरेस्ट फायर एंड ग्रिप मैनी स्पीसीज। तो कई बार तो क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है फॉरेस्ट फायर से, जंगल में जो आग लगती है तो बहुत सारी स्पीसीज को निकल जाती है। एंड व्हेन द फॉरेस्ट फायर अकर एट ए टाइम द रियरिंग ऑफ द यंग वंस ऑफ द एनिमल एंड हैचेज द एग्स इट क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द नंबर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। सी फ्रेंड्स, अगर मान लो मेरे आसपास में आग लगी है तो मैं भाग जाऊँगा, वाइल्ड एनिमल्स भी यही करेंगे, है ना। जो वाइल्ड एनिमल्स होंगे जंगल में आग लगी होगी तो वो फटाफट मूवमेंट कर लेंगे, एंड जो बर्ड्स होंगे वो उड़कर कहीं चले जाएंगे। बट सोचो उनके जो अंडे रखे हुए हैं उन्होंने पेड़ों पे, उसका क्या है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अगर फॉरेस्ट फायर वो नेचुरल फिनोमिना है, वो लगता रहता है, पर हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसको कंट्रोल करें। सो फॉरेस्ट फायर भी एक रीज़न बनता है फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन का। ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट मैनी एनिमल्स विदाउट एनी अबाउट कम टू द इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मैन एंड समटाइम इवन लॉस देयर लाइफ। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंसान धीरे 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 जंगलों की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर कई बार ये जो एनिमल्स हैं वो इंसानी हैबिटेट अर्बन एरियाज में आ जाया करते हैं और उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली जो रिजल्ट होता है बहुत सैड होता है। हंटिंग टू प्रोक्योर बायो मेडिसिन और थिंग्स विच मेक परफ्यूम्स ऑल्सो ब्रिंग द स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सी देर आर सर्टेन एनिमल्स जिनके जिनसे हम लोग परफ्यूम बनाते हैं, जिनसे हम लोग जहर काटने की दवाइयाँ बनाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी बनाते हैं, तो उनकी उनको मारा जाता है, बोलना नीचे पर एक तरह की टॉर्चरिंग ही की जाती है। अब हम बात करेंगे रेड पांडा ना। जस्ट मेरे फोटो के साइड में आपको रेड पांडा आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही स्वीट से एनिमल है। सो हम लोग था रेड पांडा, एंड ये आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया गया है। रेड पांडा इज फाउंड, मैं इमेज को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, वो एंगल बदल गया। रेड पांडा इज फाउंड इन द कोल्ड फॉरेस्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। सो हमारे जो अरुणाचल आसाम वाले स्टेट्स हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। हिज फूड इज बैम्बू स्प्राउट एग्स स्मॉल बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो ये यूजुअली क्या खाता है, छोटे मोटे कीड़े खाता है, छोटे छोटे बर्ड्स को खाता है, उनके अंडे चुरा के खाता है, एंड इवन बम्बू जो अपने नेचुरल कंडीशन में ग्रोता है उसको कंज्यूम करता है। इट इज़ वेरी लेस एक्टिव ड्यूरिंग द डे, है ना, पूरा दिन पड़े रहता है, आराम से सुस्ताता रहता है ना, खावानू पीवानू ने जलसानी लाइफ, उसका मतलब यही मोटिव होगा। एंड अगर दिन में इनएक्टिव लेस एक्टिव रहता है तो रात को जरूर एक्टिव होता होगा। बिसाइड इंडिया इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द चाइना नेपाल भूटान एंड म्यांमार। सो बेसिकली हमारे सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के आसपास के कंट्री से जहाँ पे ये पाया जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी मेजर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हम लोगों ने क्या क्या मेजर्स लिए वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू चेंज अवर एटीट्यूड एंड परसेप्शन टूवर्ड द फॉरेस्ट। हमको अपनी पहले तो सोचने की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो चेंज करनी पड़ेगी, हमको अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। हमको क्या सोचना पड़ेगा वो भी तो देखना पड़ेगा ना। वी कंसिडर इट एज अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इनकम विच इज़ अ मिस्टेक। हम लोग तो क्या सोचते हैं कि चलो जाते हैं किसी टाइगर का शिकार करते हैं और उसकी स्किन को बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस में बेचेंगे, पर ये मिस्टेक है मेरे दोस्त, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी कानून बना चुकी है। पैसे तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे बात की बात है, पर आपको जेल पहले हो जाएगी, है ना। तो ये गलती है जो हमको नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली हमको एज ए अच्छे ह्यूमन बींग्स किसी जानवर को मारना ही नहीं चाहिए। और अगर ये बात सब समझ गए ना तो नॉनवेज बिजनेस पूरा ठप हो जाएगा। ओके, वी कंसिडर इट एज ए सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इनकम विच इज अ मिस्टेक। इट मस्ट बी प्रिजर्व ओनली देन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इज सेव। और अगर हम ऐसा ये बात को अगर हम लोग समझ जाते हैं ना तो उनको हम लोग खत्म होने से बचा सकते हैं।
maintain a balance of number which is maintain the balance of number between the herbivorous and carnivorous in the forest. So herbivorous आपके वो animals होते हैं जो usually grass consume करते हैं, plant consume करते हैं, grass eating animals को हम लोग herbivorous कहेंगे. Where those animals which are killing other animals and consume them, उसको हम लोग carnivorous animals कहेंगे. Okay, जो दूसरे animals को खाते हैं. For this step, like maintaining the water sources in the forest and restriction on grazing of the domestic animals should be taken. So usually अगर हम उनके natural habitat में ना जाए, animals की जो grazing होती है, उनका जो घास चरना होता है, उसको अगर हम लोग control करें, उनके natural environment को protection दें, उनके जो water sources हैं उसको disturb ना करें, तो हम लोग एक तरह से अपनी wild life को preserve कर सकते हैं. आई थिंक इसके बाद ये लास्ट दो स्लाइड बची है. देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट लॉ ऑन बैनिंग हंटिंग. तो हंटिंग को तो हमारी गवर्नमेंट को कम्प्लीटली बैन ही कर देना चाहिए. दोज लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी हार्शली. कानून नहीं है, ऐसा नहीं है, कानून है पर उनको इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं किया जाता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और बहुत गंदे तरीके से करना चाहिए. ओके, जैसे कि अभी कोरोना में कोई मास्क पहन के नहीं जा रहा, 500 का मैंने सुना है 1000 होने जा रहा है. अरे भाई, ट्रैफिक पुलिस वालों को पकड़ो कि हेलमेट वालों को भी पकड़े. ओके, तो थोड़ा हमारे कंट्री में वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट पे. हैवी पनिशमेंट शुड बी इन्फ्लिक्टेड फॉर इलीगल माइनिंग इन द फॉरेस्ट एरिया एंड अ फाइन शुड बी इम्पोज. सो अगर कोई इलीगल माइनिंग करता है, सो माइनिंग करने के लिए यूजुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, है ना, और बिना कोई परमिशन के अगर माइनिंग कर रहा है तो उसको पनिशमेंट होना चाहिए, फाइन लगाना चाहिए वगैरह वगैरह. हाँ, इट इज़ नेसेसरी टू मेक सच अरेंजमेंट विच वुड डिस्टर्ब द एनिमल्स ड्यूरिंग देयर प्रोक्रिएटिव पीरियड. प्रोक्रिएटिव पीरियड क्या होता है? जब भी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं. वेल, यहाँ पे मैं अपने इंडियन फिशर भाइयों की बहुत तारीफ करना चाहूँगा, जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि वो उनको पता है कि उनको समुद्र से फिशेज मिलती हैं. ओके, एंड वो लोग समुद्र से मछलियाँ पकड़ते हैं, लेकिन इनको पता है कि ये कुछ एक पर्टिकुलर महीना होता है जहाँ पर एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उस महीने में वो कभी फिशिंग फिशेज को पकड़ने जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनका प्रजनन का रिप्रोडक्शन का टाइम है, एंड इसमें और भी बहुत सारी मछलियाँ पैदा होंगी, और मछलियाँ पैदा होंगी मतलब फ्यूचर में उनकी जो मछलियों के नंबर से वो कभी कम नहीं होंगे. अगर वो इस टाइम पे फिशिंग करने जाएंगे तो इन नियर फ्यूचर समुद्र में मछलियाँ बहुत कम हो जाएंगी और वो लोग मछलियाँ पकड़ नहीं पाएंगे. तो जब वो लोग इतना समझते हैं तो हम लोगों को भी समझना चाहिए, स्पेशली जो एनिमल्स का प्रो क्रिएटिव टाइम होता है तो उसमें हमको उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. अ स्टडी शुड बी मेड आउट द लाइकली इफेक्ट ऑफ द फिशरी फॉरेस्ट गैदरिंग एंड टूरिज्म इन द फॉरेस्ट. स्टेप्स शुड बी टेकन अकॉर्डिंगली. हमको ना थोड़ा एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए. ओके, जैसे हम लोगों ने फिश के साथ एडजस्टमेंट कर लिया है, वैसे हमको फॉरेस्ट के साथ हमारा जो टूरिज्म है, अगर वो लोग भी टूरिस्ट लोग जो होते हैं वो जंगलों में जाते हैं, नो डाउट उनको भी अपने आप को क्रिएट करना होता है, माइंड को रिफ्रेश करना होता है, पर वो करना कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए. प्रोग्राम शुड बी अरेंज टू ब्रिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस इन द सोसाइटी. सो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रोग्राम्स कंडक्ट करें, है ना. एंड एज ए चीफ गेस्ट मुझे बुलाए तो आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन. आगे बढ़ते हैं. इफ द वाइल्ड प्रोटेक्शन फोर्सेज आर इनएक्टिव देन प्रेशर शुड बी ब्रॉट ऑन देम एंड दिस वर्क शुड बी गिवन प्रायोरिटी. ओके, सो हमको ऐसी गवर्नमेंट ने ऐसी टीम्स बना के रखी है जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करती है, एंड हमको बहुत ही एक्टिवली उन पर ध्यान रखना चाहिए. आ जाते हैं आज की हमारी लास्ट स्लाइड पे, ठीक है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं आप पिक्चर कि एक एनिमल है, इसको हम लोग कहेंगे डॉल्फिन. ओके, और ये गंगा नदी में पाई जाती है. इसका कुछ साइंटिफिक नेम भी दिया है, पैलाटानिस्टा गिंगेटिका. ओके, ये तो अजीब नाम है, हम लोग इसको गंगा रिवर डॉल्फिन ही कहेंगे.
So this Ganga river dolphin found in the Brahmaputra and the Ganga in a fresh water species. So ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाए जाते हैं, जहाँ पे मतलब जहाँ का पानी यूजुअली फ्रेश माना जाता है. वेल अगर इंसानी इंटरफेरेंस ना हो तो, क्योंकि लॉकडाउन में सारे रिवर ने फ्रेश वाटर देना स्टार्ट कर ही दिया था. जनरली इट लिव्स इन द रिवर हैविंग डीप एंड द काम वाटर फ्लो. जो पानी शांत होता है वहाँ पर इस नदी डॉल्फिन्स को पाया जाता है. इट फाउंड इन द गंगा रिवर विच फ्लो थ्रू ओनली वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. डेंसली पॉपुलेटेड मतलब क्यों गंगा, क्योंकि जहाँ से ये फ्लो करती है, मतलब ये फ्लो करती है उत्तर प्रदेश से, जहाँ की पॉपुलेशन 21 करोड़ मानी जाती है. बिहार अगेन पॉपुलेटेड है, झारखंड पॉपुलेटेड है, बंगाल ओवर पॉपुलेटेड है. सो ये ऐसी जगह से फ्लो करती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी आबादी है. एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द डर्टी वाटर इन द रिवर sedimentation and due to the deforestation, fisheries, navigation of the river, industrial well, etc., danger have been created against its existence. तो basically सब problem बताई गई है जिसकी वजह से dolphin को problem होती है. well पहला आता है आपका sedimentation. sedimentation क्या होता है, नदी जब आती है अपने साथ बहुत सारे कंकर पत्थर कीचड़ वो सब लेके आती है, जिसके कारण सेडिमेंटेशन डिपोजिशन होता है, जिससे हमेशा नदी का स्तर बढ़ता ही रहेगा, है ना. आप मान लो बहुत सारा सेडिमेंटेशन हुआ तो जमीन का थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर उठा, तो नदियाँ अपना लेवल धीरे 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 रेज करती रहेगी. ये नेचुरल फिनोमिना है. फिर डिफॉरेस्टेशन हो गया, है ना, और लोग फिशिंग करने आते हैं. नेविगेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह बोट से ट्रैवल करना ऑन द रिवर, डेट इज कॉल्ड द नेविगेशन. और इंडस्ट्री का वेट, इन सब वजह की वजह से डॉल्फिन रिवर ने जो एग्जिस्टेंस है वो अब खतरे में आता जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर देर आर वेरी फ्यू सच डॉल्फिन लेफ्ट इन द चंबल रिवर्स. तो चंबल रिवर्स के आसपास में इनको देखा जाता है अभी राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे इंसान बस्ती थोड़ी कम है और पानी भी फ्रेश है. इट कम्स ऑन द सरफेस वेरी ओपन एंड ब्रीथ सू सू लाइक साउंड. तो ये यूजली हम इंसान अगर पानी के अंदर कूदते हैं तो नॉर्मल इंसान 15-20 सेकेंड तक तो मतलब होल्ड कर सकता है अपना ब्रीथ. प्रैक्टिस करें तो 2 मिनट तक ले जा सकता है. अच्छे स्विमर्स होते हैं वो 5-5 मिनट तक सांस रोक के पानी में बैठ सकते हैं, मगर ये एनिमल है ये तो सालों से पानी के अंदर रहते आए, तो ये तो मिनटों तक रह सकते हैं. इवन कुछ एनिमल्स तो आवर्स तक भी बिना सांस लिए पानी के अंदर रह सकते हैं. पर इनको एक टाइम तो ऐसा होता है कि ऊपर सांस लेने आना पड़ता है, और जब ये सांस लेने आते हैं तो सू 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 ऐसा आवाज़ करते हैं. ओके, मैं आपको ओरिजिनल ऑडियो नहीं सुना सकता, कॉपीराइट का क्लेम भी आ सकता है. एनी हाउ, सो इट इज ऑल्सो नोन एज बाई अदर नेम्स लाइक सॉन्स सू सू एंड स्विश. तो ये हम लोग उसकी आवाज़ में से हम लोग गेस कर सकते हैं कि उसको ऐसा नाम मिला है. इट इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर ऑफ द नेबरिंग नेपाल एंड बांग्लादेश. सो नेपाल एंड बांग्लादेश में इसको देखा गया है. एट प्रेजेंट इट एग्जिस्टेंस ऑफ द गंगा रिवर डॉल्फिन इज इन डेंजर. डेंजर मतलब ये अब खतरे में. सो फ्रेंड्स, इन माई नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के इम्पैक्ट. जहाँ पे हम लोग टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, है ना, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि नेशनल पार्क, बायो रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंसेस होता है और ये क्यों एक दूसरे से अलग अलग है. वेल, वो सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है. सो फ्रेंड्स, हियर आई एम कंक्लूडिंग माई सेशन. आई होप आपको ये सेशन बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग लगा होगा. लाइक कॉमेंट भी कर दिया करो. ओके, बाय एवरीवन.